नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022, एमपीपीएससी, बीपीएससी या कोई अन्य एग्जाम जहां पर करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है, इस डिस्कशन के माध्यम से हम उसको कवर करेंगे। समसामयिकी घटना क्रम 2022 का ये दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने आर्थिक घटनाक्रम को किया था, उसका चैप्टर 1 हो चुका है। आगे जो बचे प्रश्न हैं, जो बनेंगे, उनको चैप्टर 2 में हम लोग कवर कर लेंगे। पुरस्कार और सम्मान का ये चैप्टर 1 है। तो चैप्टर 1 के अंतर्गत 50 प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। उसके बाद में जैसे आगे प्रश्न और बढ़ेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चन इसमें कवर कर लेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर में हमने कोई अगर किसी ने खिताब जीता है उसको भी शामिल किया है, क्योंकि वो भी एक सम्मान होता है, एक पुरस्कार होता है। तो हो सकता है आपको खेल के भी प्रश्न यहां पर मिले। अगर आप यूपीपीसीएस 2022 का एग्जाम दे रहे हैं और अपनी तैयारी को अंतिम तौर पर चेक करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो 5 मई से शुरू हो रहे डेली टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें हम पीडीएफ के साथ ऑनलाइन टेस्ट भी आपको देते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन भी हमने इसमें रखा है, डाउट सेशन रहेगा, आप पूछ पाएंगे, एक ग्रुप भी रहेगा जिसमें आप डिस्कशन कर पाएंगे। 6307281212 पर यूपीपीसीएस डेली टेस्ट लिख के इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट, ये नाम है, द प्रॉमिस इनकी रचना है, 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है, कहां के निवासी हैं ये पूछा जा रहा है। ये निवासी हैं दक्षिण अफ्रीका के। 2003 में भी इनकी किताब को शॉर्टलिस्ट किया गया, 2010 में फिर से शॉर्टलिस्ट किया गया, 2003 और 2010 में इनको फाइनली पुरस्कार नहीं मिल पाया। 2003 में द गुड डॉक्टर और 2010 में इन अ स्ट्रैंज रूम, ये किताब इनकी शामिल की गई थी, शॉर्टलिस्ट की गई थी, लेकिन इनको पुरस्कार नहीं मिल पाया। और लेकिन इस बार द प्रॉमिस पे इनको पुरस्कार मिल गया है। वसोश्री पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? वसोश्री जो पुरस्कार है, ये भगवान बसवेश्वर के सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग और उनसे संबंधित जो क्षेत्र है वहां पर कुछ सोशल एक्टिविटीज जो करते हैं उनको दिया जाता है। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्रा पुनीत राजकुमार को ये दिया गया बसोश्री 2021 पुरस्कार। महात्मा गांधी के सम्मान में किस देश की सरकार ने, अच्छा बताइएगा कि ये किस चीज का साइन है, इसके सिक्के का अनावरण किया है, ये साइन बताइएगा। भाई डॉलर तो ये है नहीं, ये क्या है? और ये सरकार है यूनाइटेड किंगडम। महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, मेरा जीवन मेरा संदेश, इसको उसमें छापा जाएगा और भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की एक छवि भी इसमें छापी जाएगी। नोवाक जोकोविच ने छठा पेरिस मास्टर खिताब किसे हराकर जीता? छठा है नोवाक जोकोविच जो रहने वाले हैं, ये सर्बिया के रहने वाले हैं और ये पेरिस में हो रहा था। ये जो लगातार इन्होंने 7वां एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे बने रहने का रिकॉर्ड भी बनाया है और ये फ्रांस में हो रहा था, पेरिस में हो रहा था, इसमें इन्होंने डेनिल मेदवेदेव को हराया है जो कि रशिया के हैं, रूस के, वही रूस जिसने यूक्रेन पर तबाही मचा रखी है, हमला कर रखा है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति डी क्लार्क को निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त रूप से 1993 में नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? दक्षिण अफ्रीका के अभी पूर्व राष्ट्रपति और देश का नेतृत्व करने वाले अंतिम श्वेत व्यक्ति जिनका नाम था डी क्लार्क, इनका निधन हो गया। 1993 में इनको नेल्सन मंडेला के साथ नोबल शांति का पुरस्कार दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराकर पहला T20 विश्व कप खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने हराया न्यूजीलैंड को और पहला T20 विश्व कप खिताब इसने जीता। और 2007 से 2021 तक T20 विश्व कप विजेता की अगर बात की जाए तो 2007 में सबसे पहले विजेता था भारत और 2021 में अभी जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और अभी इसकी पहली जीत है, पहला T20 विश्व खिताब है। पाकिस्तान भी जीत चुका है दूसरा, फिर इंग्लैंड, फिर वेस्ट इंडीज, 2014 में श्रीलंका भी जीत चुका है, फिर वेस्टइंडीज केवल अकेला है जिसने 2 बार जीता है और फिर इस बार का ऑस्ट्रेलिया। नोबेल शांति पुरस्कार भी जीता,
कैलाश सत्यार्थी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दिल्ली के दो किशोर भाई विहान और नव अग्रवाल, इन दोनों लोगों को दिया गया है यह पुरस्कार। शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए इन्होंने किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज ये जीता है। और नोबल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जो है उन्होंने ही इसको प्रदान किया है। गॉर्बिन मुगुरुजा ने फाइनल में किसे हराकर WTA फाइनल खिताब 2021 का जीता? तो ये एनेट कोंतविन को हराया है। एनेट कोंतविन को हराया कहां पर? टेनिस में, टेनिस खेल में। स्पेन की ये है गॉर्बिन मुगुरुजा, ये कहां की है? ये आपकी स्पेन की है। और इन्होंने हराया है एथन कोंतविन को, ये ध्यान रखिएगा। और मुगुरुजा WTA फाइनल्स जीतने वाले पहले जो खिलाड़ी भी हैं स्पेनिश खिलाड़ी, तो ये कहां के हैं? मुगुरुजा की नहीं, के स्पेन, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, कभी कभी नाम ऐसे होते हैं कि जानते हुए भी उनका वो निकल जाता है, जो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, लेकिन ये मुगुरुजा जो है ये WTA फाइनल जीतने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के क्रम में कौन सा युग्म सही नहीं है? सबसे स्वच्छ शहर जो है ये दिया है इंदौर, सही है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी, सबसे स्वच्छ जिला ये सूरत है, और सबसे स्वच्छ जो छावनी बोर्ड है तो छावनी बोर्ड लखनऊ का छावनी बोर्ड नहीं है, ये गलत यहां पर दिया हुआ है, ये अहमदाबाद का छावनी बोर्ड है। सबसे जो स्वस्थ छावनी बोर्ड है यह अहमदाबाद का, डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया मास्टर्स 2021 पुरुष एकल खिताब जापान के केंटो मोमोटो ने किसे हराकर जीता? याद कर लीजिए कि ये 2021 का इंडोनेशिया मास्टर्स पुरुष खिताब केंटो मोमोटा ने जीता है, जो कि जापान के रहने वाले हैं। और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है एंडर्स एंटोनसेन को, एंडर्स एंटोनसेन को हराया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर 21 नवंबर 2021 को किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक समुद्री राज्य है, तेलंगाना इसका बच्चा है, इसी से निकलकर बना। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का जो पुरस्कार दिया गया है इसी के अंतर्गत, तो उड़ीसा को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, वो उड़ीसा को दिया गया है। और समुद्री राज्य का जो ये पुरस्कार दिया गया है वो आंध्र प्रदेश को। अगर आपसे पूछ ले अंतरदेशीय राज्य, तो ये तेलंगाना को दिया गया है। ये कौन सा है? अंतरदेशीय राज्य, तो अंतरदेशीय राज्य में तेलंगाना को ये पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला इसमें उड़ीसा का बालासोर घोषित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ये किसे सम्मानित किया गया? तो ये दानिश सिद्दीकी को सम्मानित किया गया, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोटो जर्नलिस्ट है दानिश सिद्दीकी, और अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, और ये आफ्टर डेथ दिया गया है, आफ्टर डेथ दिया गया है। पाने वाले को तो पता भी नहीं कि उसको पुरस्कार मिला है। अगला जो प्रश्न है, महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का अभी निधन हुआ, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, भूषण, विभूषण, भारत रत्न। तो इनको भारत रत्न नहीं दिया गया, पद्मश्री इनके लिए छोटा है, इनको पद्म विभूषण दिया गया था, भूषण से भी ऊपर, तो दो में ही कंफ्यूजन होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथक नृत्य की जब बात आती है तो पंडित बिरजू महाराज के बिना वो अधूरी रह जाती है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 क्रमशः महिला और पुरुष की बात की जाए तो किसे प्रदान किया गया? महिला और पुरुष दोनों की बात करनी है तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और एलेक्सिया पुटेकल, है ना, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और एलेक्सिया पुटेलस, इन दोनों लोगों को दिया गया सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार। पीवी सिंधु ने लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसे हराकर जीता? पीवी सिंधु ने जीता है, लखनऊ में यह आयोजित हुआ था, यूपी स्पेशल का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है ये, और इसको जीता है इन्होंने किसे हरा के? मालविका बशोण को।
सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी पे भी यही दिया है, गलती से छपा है, लेकिन सी ऑप्शन या डी ऑप्शन दोनों सही है, एक ही चीज दिए हुए हैं। तो मालविका बशोड़, उत्तर प्रदेश का बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम जो है वहीं पर यह आयोजित किया गया था। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया? नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने दिया और ये दिया सिंजो आबे को, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक्स पीएम है कहां के, जापान के, जापान के एक्स पीएम है। और अभी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई है, 125वीं जयंती इनकी मनाई गई है, एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक समारोह किया गया था, उसी के अंतर्गत इनको यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे इससे पुरस्कृत हुए, तो टोटल पूरे देश में 29 बच्चे और यूपी में 3 बच्चे। यूपी में कितने, 3 बच्चे। जो 29 बच्चे हैं इसमें बॉयज जो है उनकी संख्या 15 है और जो गर्ल्स हैं गर्ल्स की संख्या यहाँ पर 14 है और टोटल ये बच्चे कितने हैं, 29 बच्चे हैं। सी इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूपी के 3 बच्चे इसमें शामिल थे। पद्म पुरस्कारों की दृष्टि से कौन सा युग में सही सुमेलित है, पद्म पुरस्कार जो दिए गए श्री राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण दिया गया, कल्याण सिंह पद्म भूषण दिया है, जबकि मरणोपरांत कल्याण सिंह को पद्म भूषण दिया गया और ये सही है ये। और यहाँ पर जो दिया है ये राधेश्याम खेमका, इनको पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, राधेश्याम खेमका जो है इनको पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इनको जो दिया गया है वो कौन सा, पद्म भूषण ही दिया गया है। और श्री राशिद खान जो है इनको क्या दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित है, एक आपको यहां पर बताना है। तो ये गलत प्रश्न सेट हुआ है, यहां पर नहीं पे ही सेट होगा, कहां पर सेट होगा ये, नहीं पे, ये गलत व्याख्या मैं कर दे रहा हूं, क्योंकि 18 नंबर प्रश्न में ये जो पूछा जा रहा है कि पद्म पुरस्कारों की दृष्टि से कौन सा युग में सही सुमेलित है, तो राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया, कल्याण सिंह को भी यहां पर क्या दिया गया है, पद्म विभूषण ही दिया गया है, राशिद खान को पद्म भूषण दिया गया है, ये सही है। और यहां पर आप देखेंगे वशिष्ठ त्रिपाठी, तो वशिष्ठ त्रिपाठी को पद्म भूषण ही दिया गया है। तो इसमें एक गलत आपसे पूछना चाहिए कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि इनको भी पद्म विभूषण दिया गया, बाकी ये सही है सब, ध्यान रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है और दूसरा है कि इसमें बाघों की संख्या दोगुनी होकर 80 होने के बाद इसको TX2 पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये प्रदान किया गया है इसको। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में और इरोड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, इरोड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 2010 से बाघों की संख्या यहाँ पर दोगुनी हो गई है, पहले 40 बाघ के लगभग हुआ करते थे, अब 80 हो गए हैं और इसी कारण से इसको TX2 यानी कि टोटल जो नंबर है ये दोगुना हो गया है, तो ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो यहाँ पर ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको ध्यान रखना है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, राफेल नडाल ये स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने किसे हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, तो इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव को, वही डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं, और इनको हरा के इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। भारतीय सामाजिक आध्यात्मिक नेता और शिक्षाविद इकबाल सिंह किंगरा का निधन हो गया 2022 में, उनको भी एक पद्म पुरस्कार दिया गया था और ये जो पद्म पुरस्कार था ये पद्मश्री था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाम था इनका इकबाल सिंह ढींगरा, भारतीय सामाजिक और आध्यात्मिक नेता शिक्षाविद। महान गायिका लता मंगेशकर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उनको दिया गया था, कौन सा पुरस्कार इनको मिला था, तो महान गायिका लता मंगेशकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, इनको पद्म भूषण दिया गया था, बिल्कुल सही है, पद्म भूषण इनको 1969 में दे दिया गया था,
भारत रत्न की बात की जाए तो भारत रत्न 2001 में इनको दिया गया है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1990 में इनको दिया गया है। तो ये तीनों पुरस्कार इनको मिले हैं। सन भी याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सा पुरस्कार मिला या भारत रत्न पुरस्कार इनको कब दिया गया, तो ये आपको बताना होगा। जिसे भारत रत्न आपसे पूछ ले तो 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का निधन हुआ है। इनका उपनाम क्या था? तो इनको कन्नड़ के कबीर के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? कन्नड़ के कबीर के नाम से। नाम क्या था इनका? वैसे इब्राहिम सुतार। फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिन्होंने एड्स का कारण बनने वाले वायरस की खोज की थी, किस वर्ष नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया? इन्होंने खोज तो कर ली थी, कब इन्होंने खोज कर ली थी? 1983 में इन्होंने शुरू किया था ये खोज, और उसी के आसपास इन्होंने खोजा, लेकिन इनको पुरस्कार पाने के लिए वेट बहुत करना पड़ा। 2008 में इनको ये पुरस्कार दिया गया। हिलाल-ए-पाकिस्तान नामक पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बिल गेट्स को दिया गया है, और ये पाकिस्तान का सेकेंड, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ये सेकेंड देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और बिल गेट्स का जो फाउंडेशन है, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन, खैर मिलिंडा से तो तलाक भी हो रहा है तो या हो गया होगा, तो बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन में मदद करने वाले लोगों में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्हीं के बजट से वहां पर ऐसा हो पाया। पाकिस्तान के पास कहां पैसा है? पाकिस्तान तो अपना बदमाशी में सारा पैसा खर्च कर देता है। जैसे कुछ बदमाश होते नहीं है जो इधर उधर फालतू कामों में पैसा खर्च करते हैं, तो वैसे ही पाकिस्तान है विश्व प्रदृश्य पे। किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये आपकी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, और ये अभी भी ऐसे ही बरकरार रखी है अपनी स्थिति को। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी का निधन हो गया। और शकुंतला चौधरी का संबंध किस राज्य से था? कौन सा स्टेट है जहां से ये रिलेटेड थी? तो इनका संबंध था आपका असम से। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 102 साल की थी, ये ध्यान रखिएगा, 15वीं CSCEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का फाइनल किसने जीता? 15वीं CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुई है 2022 का, इसका फाइनल किसने जीता? तो ये लद्दाख स्काउट्स ने जीता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बोल्ट्जमान पदक के सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये प्रोफेसर दीपक धर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भौतिक विज्ञान के ये प्रोफेसर है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स ने सांख्यिकीय भौतिकी पर आयोग जो है, और सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में जो योगदान है वो देता है 3 साल पे एक बार इस पे पुरस्कार। तो उसने डिसाइड कर रखा है कि 3 साल में एक बार इसको देना है, और ये जो पुरस्कार है इस बार प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर हमला के चलते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कौन सा पुरस्कार वापस ले लिया? तो इस पुरस्कार का नाम है ओलंपिक आर्डर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार जो वापस लिया गया? ओलंपिक आर्डर पुरस्कार। कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया गया है? कितने शिक्षकों को? तो ये 49 शिक्षकों को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं, उन्होंने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना या मतलब समग्र शिक्षा के तहत जो सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले शिक्षक हैं, ये उपाय करते हैं अपने स्कूल में कि ये सही से लागू हो पाए, तो ऐसे 49 लोगों को पुरस्कृत किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया, और ये मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गीतांजलि श्री का उपन्यास है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड है, ये पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन जाएगा जो इसमें चुना गया है। डेजी राकवेल द्वारा
इसका अंग्रेजी में ओपन जो है अनुवाद भी किया गया है और ये पहला ऐसा होगा, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है गीतांजलि श्री के नाम। कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए 2022 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, और ये जीता है एम्बर बैकरेंड। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और फोटो में ब्रिटिश कोलंबिया में कमलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 से अधिक बच्चों की याद में क्रॉस पर, जो क्रॉस होता है क्रॉस, तो क्रॉस पर लटकाए गए बच्चों के कपड़े भी इसमें देखे जा सकते हैं। और इसी कारण से ये फोटोग्राफी मतलब के क्षेत्र में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार एम्बर बैकरेंड को दिया गया है। इस साल के ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको, तो ये अमर मित्रा को दिया गया है। ये बंगाली लेखक हैं। ये कैसे लेखक हैं? ये बंगाली लेखक हैं। और बंगाली लेखक अमर मित्रा ने ये पुरस्कार जीता है। इस साल के ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे, तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, ए ऑप्शन इसका ही करेक्ट हो जाएगा, अमर मित्रा। ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड्स के 23वें संस्करण में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया, तो 23वां संस्करण इसका था और इसमें जो सम्मान दिया गया है वो फाल्गुनी नायर को दिया गया है। फाल्गुनी नायर को दिया गया है। ऐसे ही जैसे आपको ये वंदना लूथरा का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वीएलसीसी जो कंपनी है, वीएलसीसी फाल्गुनी इनकी कंपनी कौन सी है, फाल्गुनी नायर की कंपनी कौन सी है। नायका का नाम आपने सुना है तो नायका इनकी कंपनी है। उपासना ताकू की मोबीक्विक है, ये सब महिलाएं हैं जो बिजनेस के क्षेत्र में धमाल मचाए हुई है। मोबीक्विक और रिचा कर इनकी जीवामी, जो जीवामी कंपनी है ना, एड आता रहता है, तो वो कंपनी इनकी है। लेकिन ये जो पुरस्कार है ये फाल्गुनी नायर को दिया गया। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया, तो ये चुना गया है प्रभात पटनायक को, जाने माने भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार प्रभात पटनायक जो है उन्हीं को ये पुरस्कार, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया, किसको सम्मानित किया गया, तो यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, इनको दोनों को दिया गया है। तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ ट्रस्ट जो यज्ञ ट्रस्ट है उसको दोनों को मिला के ये दिया गया है। पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया। उनका संबंध किस देश से है, किस देश से ये संबंधित है, तो इनका संबंध है बांग्लादेश से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पर्यावरण वकील है और अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस के पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है, कोई छोटी बात ये नहीं है। अगला जो प्रश्न है, मार्च 2022 में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई, तो ये हरियाणा के द्वारा की गई। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुषमा स्वराज जो पुरस्कार है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने इसको शुरू किया है। काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में कुल 7 पदक जीतकर भारतीय टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो इसमें प्रथम स्थान भारतीय टीम का है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पदक में पहला स्थान, कुल 7 पदक जीते हैं भारतीय टीम ने और इन 7 में से 4 तो गोल्ड है, 4 इसमें गोल्ड है, 2 सिल्वर है और इसमें एक जो आपका बचा वो क्या हो जाएगा, जो ये आपका हो जाएगा ब्रोंज, ठीक है ना। तो टोटल जो है वो 7 ही तो है, तो एक ही ब्रोंज हो जाएगा, तो गोल्ड सबसे ज्यादा है। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु किस योजना को चुना गया, और ये जो योजना है उस योजना का नाम है उड़ान योजना, है ना। लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए ये प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना पुरस्कार हेतु किस योजना को चुना गया, तो ये उड़ान योजना को चुना गया है। ये उड़ान जो योजना है ये नागरिक उद्यन मंत्रालय की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है ना, उड़े देश का आम नागरिक इसको कहा जाता है, जो उड़ान है।
अगला जो प्रश्न है, BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी कौन सी है? तो ये जो कंपनी है वह तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है जिसको BIS प्रमाणन मिल चुका है। अगला जो प्रश्न है, 2021 IIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स के अंतर्गत डायरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में सुजीत सरकार को यह पुरस्कार दिया गया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर कॉमर्स ने रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स के लिए किसे चुना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विवेक लाल को चुना है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, विवेक लाल को। ई पंचायत पुरस्कार श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत विजेता राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इसके अंतर्गत जो पुरस्कार मिला है वो कर्नाटक को मिला है, प्रथम स्थान पर कौन रहा? कर्नाटक रहा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाफ्टा पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों का यह 75वां संस्करण था, इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ड्यून को प्रदान किया गया, और ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि ड्यून को नहीं प्रदान किया गया है, है ना, ड्यून को नहीं प्रदान किया गया है, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ड्यून को नहीं दिया गया, यही गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है यह द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है, इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी इसी के उसमें दिया गया है, पावर ऑफ द डॉग के कारण ही दिया गया है, और वैसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी जो है इनको मिल गया है, और बाकी आप जान ही गए, ड्यून को नहीं दिया गया है, तो किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ ये फिल्म का पुरस्कार जो दिया गया है ये द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ये प्रोफेसर नारायण प्रधान है जिनको चुना गया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, GD बिरला पुरस्कार। अप्रैल 2022 में ACI बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस बैंक को सम्मानित किया गया? तो ये बैंक है ACI बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाला एक्सिस, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वैज्ञानिक एम विजयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन्होंने भारत में प्रोटीन क्रिस्टैलोग्राफी की नींव रखी, वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष रहे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो पहले के दोनों तो सही हैं, ये गलत है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक प्रश्न क्योंकि रिपीट हुआ था तो एक प्रश्न और हम देख के इस सेशन को समाप्त करेंगे, और उस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया, किसके नाम कर लिया? अपने नाम कर लिया। और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मनासा जिनका नाम था, तो इनका नाम कहीं मनसा भी मिलता है कहीं मनासा मिलता है, तो ये तो डिपेंड करता है कौन से कहां से किस पेपर से लिया गया है मटेरियल, वहां का प्रोनंसिएशन कैसा है। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मनासा वाराणसी ने मिस वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो ये गलत है, ये 22 में नहीं, इन्होंने 2021 में किया था, ठीक है ना। और ये जो पोलैंड की कैरोलिना विलावस्का है ये जीती है, तो पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे के जो बचे प्रश्न हैं उनको हम अगले एपिसोड में करेंगे। आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा, और अगर आप चाहते हैं आपका स्कोर अच्छा हो जाए, आप बॉर्डर लाइन पे बार बार असफल होते हैं, तो आपको आगे बढ़ने का ये मौका भी देगा, क्योंकि डेली टेस्ट जो होंगे उससे आपकी कमियां बहुत तेजी से दूर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।